श्री वाहे गुरु श्री वाहे गुरु श्री वाहे गुरु श्री वाहे गुरु वाहे गुरु हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर पली बाण हर गुण गावा हर नित चवा हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान जप जप आँख दिखा दिया हर जप जप आँख दिखा दिया सब रोग गवाते दुखा कान जिना सांस गिरास ना विसरे से हर जन जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर अराध दे दिन चुकी जमकी जगत काण जिना सांस गिरास ना विसरे ना विसरे ना विसरे जिना सांस गिरास ना विसरे से हर जन पूरे सही जान Oh,
गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गुरु।
वाहेगुरु
रे सनी सरे गा दा वाह वाह रसना वाह।
भगत एक नहीं होए। मन तन शीतल विसरे मर जा आखण आखा साचाना आखा जीवा जीवा विसरे मर जा आखण आखा साचाना आखा जीवा विसरे मर जा आखण आखा साचाना आखा जीवा जीवा विसरे मर जा आखण आखा साचाना। वाहे गुरु वाहे गुरु विसरे मर जा आखण आखा साचाना आखा जीवा जीवा विसरे मर जा आखण आखा साचाना आखा जीवा विसरे मर जा साचाना।
नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा मन जीवे आखा जीवा आखा जीवा मन जीवे मन जीवे नाम सुन तेरा नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा आखा जीवा विसरे मर जा आखण सो सुख आनंद कन प्यारे हर रतन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरे एक तिल नहीं विसरे नहीं विसरे एक तिल नहीं विसरे प्राण आधारा जप जप नानक जीवते एक तिल नहीं विसरे प्राण जप नानक जीवते जप 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 जप नानक जीवते आखा जीवा विसरे मर जा आखण औखा तेरा तू करने हार
अंत नाही किछ पारावा। दास अपने को दीजे दास अपने को दीजे दास अपने को दीजे दास। कब हूँ ना विसरे कब हूँ ना विसरे नानक नाम। कब हूँ ना विसरे नानक नाम। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहिगुरु 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 आखा जीवन विसरे मर जा आखण अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच
नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक।
विसारिया सेना उपकर अंतिवा सेना उपकर
दीवा
खिन खिन पूलन हार, खिन खिन पूलन हार, बख्शन हार बख्श ले नानक पार श्री गुरु नानक गुरु अमरदास जी द्वारा उच्चारण किया हुआ यह शब्द बहुत प्यारा और गहरा ज्ञान दे रहा है। कितनी प्यारी पंक्ति है, इसको अगर पहले ध्यान से समझ ले। जिन कारण गुरु विसारिया से ना उप करे अंतिवार। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन कारण गुरु विसारिया, चाहे कारण कोई भी हो,
किसी भी कारण से गुरु को छोड़कर, गुरु को भूलकर, नितनेम छोड़कर, नाम जपना छोड़कर अगर वो काम किया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे घरवाली घरवाले के लिए हो, परिवार के लिए हो, रिश्तेदारों के लिए हो, मित्रों के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, गुरु को छोड़कर अगर उसको प्रेफरेंस दी, जिसको भी दी, याद रखना गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, अंत समय में जब तेरा लेखा होगा, तेरा हिसाब होगा, जिस गुरु को छोड़कर तूने जिसकी सेवा की थी, जिसको खुश करने गया था, तो गुरु को छोड़कर वो उस समय तेरा साथ नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चाहे वो कोई भी हो। बहुत प्यारी और गहरी बात है, ध्यान से समझ लेनी चाहिए हमें। गुरु को छोड़कर, नितनेम छोड़कर, अमृत वेला छोड़कर, जो समा गुरु को दे दिया है उसे छोड़कर जिसकी भी सेवा करेंगे, निध निधान नानक हर सेवा अवर से आनप सगल अकात। एक गुरु नानक की सेवा ही, गुरु की सेवा ही काउंट होती है, बाकी किसी की भी सेवा कर ले वो काउंट नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि तू अपने मुख से कहेगा मैंने इसके पीछे इतना समा गवाया, झक मारी मैंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं इस बात को अच्छे से समझ लो, जिन कारण गुरु विसारिया, जिस भी कारण से तू गुरु को भूल गया, जिसकी भी वजह से, जब तेरा हिसाब होगा धर्मराज के पास, अंत समय आएगा तेरा, वो तेरा सहायक नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर क्या कहा है, कितने सख्त लफ्जों में कहा है, सतगुरु ना सेवियो मूर्ख अंध गवार। जिसने प्रभु का नाम नहीं जपा, पाछा कहते हैं चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, गुरु के नजरों में गवार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो कितना भी समझदार हो, संसार में बड़ा लोग ज्ञानी कहते हो, पर अगर नाम नहीं जपता तो गुरु की नजरों में मूर्ख है, अंधा है, उसके पास ज्ञान की आंखें ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कितना भी बड़ा स्कॉलर गिना जाता हो दुनिया में, अगर नाम नहीं जपता गुरु की नजरों में वो गवार है, मूर्ख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों क्यों कहा है ऐसे, क्योंकि जब समय आना है ना, वो समय आना है सबका साथ संगत जी, कभी भी आ सकता है, अभी आ जाए, कल आ जाए, दो मिनट बाद आ जाए, कुछ नहीं पता, आना तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसे पता हो कि वो समय आने वाला है और फिर भी जो साथ जाने वो सामान इकट्ठा ना करे, मूर्ख ही कहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु ना सेवियो मूर्ख अंध गवार, दूजे पाए बहुत दुख लागा जलता करे पुकार। दूजे भाई, जिसने भी गुरु को छोड़कर किसी दूसरे से प्रेम किया, गुरु को छोड़कर, क्योंकि सत्कार सबका करो, रिस्पेक्ट सबकी करो, प्रेम केवल गुरु से करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसने ये भूल की कि गुरु को छोड़कर किसी इंसान से प्रेम किया, किसी भी दूसरे चीज से प्रेम किया, वो बहुत दुख लगा, वो अत का दुखी होगा और चिल्ला चिल्ला कर रोएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कईयों को इसका एक्सपीरियंस भी होगा, जिनके आयु बीत गई है काफी, चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं जो किसी और से प्रेम कर बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु को छोड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु अमरदास जी कह रहे, करना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा, पछताना ही पड़ेगा। इसलिए कहा है जब अमृत वेले का समय हो, छोड़ो दुनी परीता, सारा दिन है तेरे पास प्रीत करने के लिए, सारे संसार से कर काम कर सब कुछ, और जब अमृत वेला हो जाए उस समय सारी प्रीतें छोड़ दे, सिर्फ एक से प्रीत लगा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर ये नहीं किया तो हमारी गिनती इसमें आ जाएगी। सतगुरु ना सेवियो मूर्ख अंध गवार, सतगुरु ना सेवियो मूर्ख अंध गवार, सतगुरु सेवियो मूर्ख अंध।
सारिया से ना उप करे अंति बार। अंगुलीमाल का जीवन कैसे पलट गया था, कैसे पलटा था, जब उसे ज्ञान हो गया था किस पंक्ति का, किस बात का, कि कर्मी आपो अपनी, चाहे घर वाला हो, चाहे घर वाली हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एक साथ एक घर में रहते हो, सबका लेखा अलग अलग हो रहा है, सबके अपने अपने कर्म हैं। कर्म कोई किसी से बांट नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बात को समझ लेना, हर एक के अपने अपने कर्म हैं, हमारे अपने हैं, मेरे अपने हैं, आपके अपने हैं। हम अपने कर्म शेयर नहीं कर सकते, ये कुदरत का नियम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्मी, गौतम बुद्ध ने क्या कहा अंगुलीमाल से, तो क्यों कर रहे हैं ये सब, इतने लोगों की हत्या कर रहे हैं, इसका लेखा कौन देगा? कहने लगा जिस परिवार के लिए मैं करता हूँ वो सब मिलकर लेखा देंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंगुलीमाल से कहने लगे गौतम बुद्ध मैं यही बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, जा अपने घर वालों से पूछ क्या क्या वो तेरे इस पाप की कमाई में तेरा साथ देंगे, हिसाब देंगे धर्मराज के पास। अंगुलीमाल गए, अपनी माता से पूछा, अपनी घरवाली से पूछा, सब ने कहा भाई तेरा फर्ज है हमें बिठा के खिलाना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तू कैसे कमा के लाते हैं तुझे पता, तेरा हिसाब तू देगा, हम उसमें कैसे तेरे शरीक हो सकते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तू पाप से कमा या पुण्य से कमा, तेरा काम है हमें खिलाना। हैरान रह गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अंगुलीमाल से आपको पता है क्या बन गया, साधु बन गया, हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई, माला आ गई हाथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान हो गया कौन सी पंक्ति का, कर्मी आपो अपनी, जिन कारण गुरु विसारिया, जिस कारण, जिसके लिए तो गुरु को छोड़कर कुछ और काम करेगा उसे खुश करेगा, जब तेरा लेखा होगा, तेरा हिसाब होगा, वो तेरा साथ नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसी घरवाली और उसकी माता ने तो सच कह दिया उसके मुख पर, हम चाहे झूठ भी बोले नहीं हम तेरा साथ देंगे, हम किसी को झूठ बोल भी दें पर कोई दे सकता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिवाय नाम के वहां साथ कुछ नहीं जाता, साथ ना चाले हजारों पंक्तियां बाणे के, बिना नाम के तेरे साथ कुछ जाने वाला है ही नहीं, इसलिए नाम को छोड़कर कुछ और मत कर। जब सत्संग का समय हो, पता चल रहा हो कि इस पार्टी में मैं जाऊंगा, इस शादी में मैं जाऊंगा, इस जगह पे मैं जाऊंगा, अमृत वेला छूट सकता है, छोड़ दो उस चीज़ को, हमारे हाथ में प्रेफरेंस किसको देनी है। हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, उन्हें खुश करने लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर पछताना पड़ता है। इसी बात से ताकीद करे गुरु अमरदास जी, बहुत लोग ऐसे हैं जो नॉन वेज नहीं खाते, शराब नहीं पीते, पर घर में ब्याह हो जाए, शादी की रस्म हो जाए तो रिश्तेदारों को खुश करने के लिए खर्चा कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुद नहीं खा रहे पर खिला रहे हैं, पर खिला किससे रहे हैं, अपने कमाए हुए धन से लेखा जो खर्च कर रहा है उसे देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुश किसे किया, रिश्तेदारों को, और जब सजा मिलेगी कोई रिश्तेदार होगा वहां पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने श्यामपाल से क्या कहा था, ये बकरे कहाँ लेकर जा रहा है? श्यामपाल कहता है घर में पुत्र की रस्म है, ये बकरे काटूंगा खिलाऊंगा सब रिश्तेदारों को, वो खुश हो जाएंगे। गुरु अंगद देव जी ने ये पंक्तियां उच्चारण की उस वक्त, श्रवण कर लीजिए क्या कहा गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने। सुनकर बिकसे गुरु कृपाल, भले करन हित तहकाल, इतने जीवत हिंसा करे पाप विसार आपन सिर धरे, अब तो सुगम जानिए कहबो अंत महादुख नरक मैं सहबो, दे श्याम नाम जम के दूत कहाँ न पहुंचे बंधक पूत, जिन हित आप कर्म कमाए
तहां नरंचक होत सहा सुख पोगेंगे सगरे लोक अपदा परे तोहे बड़ सो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहा गुरु अंगद देव जी महाराज ने कि इतने जीवत हिंसा करे पाप विशाल आपन सिर तर है। इतने जीवों को तो हिंसा करने जा रहे हैं मारने जा रहे हैं, इन सबका पाप केवल तेरे सिर पर चढ़ेगा। अब तो सुगम जानिए ऐ कैबो अंत महादुख नरक में सहबो। अब तो तुझे अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सब रिश्तेदार खुश होंगे वाह वाह करेंगे, पर जब अंत समय तुझे महादुख सहना पड़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दे शाम ना जम के दूत अंतहा न पहुंचे बंद पपूत। जब जमदूत सजाएं देंगे वहाँ न तेरे रिश्तेदार न तेरे पुत्र तेरा कोई तेरा साथ नहीं देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिन हित तो आप कर्म कमाए तहा न रंचक होत सहाय। एक रत्ती भर भी तेरी कोई सहायता नहीं कर पाएगा जिनके लिए तू ये करने जा रहा है। सुख पोंगेंगे सगरे लोक अपदा परे तो है बड़े सुख। सुख तो वो लोग भोगेंगे, दुख तुझे भोगना पड़ेगा क्योंकि तू लेके जा रहा है बकरे काटने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये क्या है, हम क्या गलती कर बैठते हैं रिश्तेदारों को खुश करने के लिए जिन कारण गुरु विसारे। गुरु की शिक्षा को भूल गए, गुरु की शिक्षा को भूल गए। और अंत की पंक्ति कितनी प्यारी है, नानक गुरमत्ती सुख पाया। जो मन मत से चलेगा वो दुखी होगा, पर जो गुरु की मत से चलेगा नानक गुरमत्ती, जो गुरु की मत पे चलेगा वो सुख पाएगा। नानक गुरमत्ती सुख पाया कैसे, बख्शे बख्शनहार। जो गुरु की मत पे चलता है ना, जिस पर गुरु प्रसन्न हो जाए निरंकार उसके पिछले सारे गुनाह बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे समझो आज भी कोई खाता है सुनने के बाद भी, आज अगर मन में विचार करके गुरु के चरणों में अरदास कर देना कि आज के बाद मैं मांस नहीं खाऊंगा मुझे पिछले गुनाह बख्श दे, गुरु तत्काल बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गुरु बख्शनहार है। बड़े से बड़ा गुना जेता समुद्र सागर नीर भरया तेते अवगुण हमारे। समुद्र में जितना पानी है चाहे उतने अवगुण क्यों ना हो उसके दया के सामने कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दया करो किच मेहर उपाओ। अगर वो मेहर कर दी उसने डूबदे पत्थर, वो पानी में पत्थर को तरा सकता है तो तुझे नहीं तार सकता क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम भी पत्थर हैं पाछा हमें भी तार दे। हम भी ये गलतियां कर बैठते हैं बार बार, दूसरों को खुश करने के लिए अपना नितनेम छोड़ देते हैं, तुझे भूल जाते हैं, तेरी दी हुई शिक्षा को भूल जाते हैं। हमें भी बख्श दे। नानक गुरमती सुख पाया बख्शे बख्शण कर्मी आपो आपड़ी के नेड़े के दूर। पवन गुरु पानी पिता माता तर्त मात
दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म अधूर करमी आपो अपनी चंगियाँ बुरियाँ वाचे इसके बड़े गहरे अर्थ हैं। इस पंक्ति को कभी फिर से विचार करेंगे क्योंकि इसके बहुत बड़ा पहलू है। ऐसे लेंगे तो चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म अधूर पूरा प्रकरण ही अलग हो जाता है। कितनी गहरी विचार है इसकी। थोड़ा सा दास हिंट दे दे, केवल बुराइयों का हिसाब नहीं होगा अच्छाइयों का भी हिसाब होगा। प्यार से बोलिए धन गुरना, धन गुरना। जो हमें अच्छाइयां लग रही हैं पर असल में है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरना, धन गुरना। हमें लगता है हमने बड़े नेक कर्म किए पर वो भी बुराई में काउंट हो जाएगी अगर इस बात का ज्ञान ना हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरना, धन गुरना। कर्मी अपो अपने कर्म, कर्मों से ही सब कुछ है। बाबा नंद सिंह जी के वचन दास रिपीट कर रहे हैं। चाहे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा ओहदे पे है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, ऐसे ही नहीं है। पीछे खड़ा है उसका जपा हुआ नाम। प्यार से बोलिए धन गुरना, धन गुरना। एक राजा का दरबार, ये घटना श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुना रहे हैं। ये जो दास अभी घटना सुनाने जा रहे हैं बड़ी प्यारी घटना है। अर्जुन ने कृष्ण जी से सवाल किया और कृष्ण जी उसे समझा रहे हैं और यहाँ पर बात आ गई कर्म सिद्धांत की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कर्मी अपो अपनी। तो अर्जुन ने सवाल पूछा, कर्म को मुझे डिटेल में समझाओ। तो कृष्ण जी अर्जुन को कर्म सिद्धांत समझाते समझाते एक घटना सुनाने लगे। कहने की घटना सुन, ये सच्ची घटना है एक राजा के दरबार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा का दरबार है। उस जमाने में राजा महाराजा ज्ञानी महापुरुषों को अपने साथ बिठाया करते थे ताकि वो भी उन्हें भी ज्ञान मिलता रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस राजा के दरबार में एक महाज्ञानी था जिसे हर सवाल का जवाब पता होता था। वेद शास्त्र कोई भी कोई आके पूछ ले, राजा उससे बड़ा प्रसन्न रहता था और उसकी चर्चा दूर दूर विदेशों में होने लगी कि महाज्ञानी। तो जब महाज्ञानी की चर्चा हो जाए तो ये सवाल पूछने वाले भी आने लग जाते हैं, वो भी ज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दूसरे देश से ये घटना श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुना रहे हैं। एक दूसरे देश से विदेश से एक आया महाज्ञानी, वो भी राजा के दरबार में आके कहने लगा, मैंने सुना है कि आपके दरबार में कोई महाज्ञानी है। तो राजा ने कहा, ये है मेरे राजगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये महाज्ञानी है। ये हर साल सवाल का जवाब जानते हैं, मैं इनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ और हमारे दरबार की शान है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हमारे राज्य की शान है ये। तो महाज्ञानी कहने लगा, मैं नहीं मानता, मेरे तीन प्रश्नों का जवाब दो तब मैं मानूंगा कि ये महाज्ञानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसने सवाल किया, क्या पूछा, मुझे तीन सवालों का जवाब दो। पहला सवाल है, है, है। दूसरा सवाल है नहीं। और तीसरा सवाल नहीं नहीं नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये घटना श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुना रहे हैं कर्म सिद्धांत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि सब कुछ कर्मों के आश्रय पे खड़ा है। आज कोई राजा है, कोई महाराजा है, हम रोते हैं अपनी गरीबी को, नहीं जपा है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सिंपल है। दुखी हो नहीं जपा है नाम, सुखी हो जपा है नाम, सिंपल है, एकदम सिंपल। दूसरे कोई पहलू हो ही नहीं सकता कर्म सिद्धांत का। कृष्ण जी समझा रहे अर्जुन को, सवाल पूछा पहला है, दूसरा पूछा है नहीं, तीसरा पूछा नहीं नहीं नहीं। सब हैरान, ये कैसा सवाल है, इसका क्या जवाब हो सकता है। राजा ने अपने गुरु की तरफ देखा, अब गुरु भी हैरान है, ये कैसा सवाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा की इज्जत का सवाल हो गया, राजा भी हैरान है। अब गुरु ने सोचा कि तो मेरी शर्मिंदा होना पड़ जाएगा, मुझे महाज्ञानी कहा जाता है और मुझे सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उस गुरु ने अपने राजा से समय मांगा, कहने लगा, राजन मुझे कुछ देने का समय दे दो, इसे भी यहाँ ठहरा दो, मैं क्योंकि बड़ा गहरा सवाल है, इसका जवाब देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए।
तो वो जो सामने महाज्ञानी आया था वो भी मान गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं रुक जाता हूँ अब सोच कर बता दो। घर में गया बैठ के सोच रहे राजगुरु चिंता में। कृष्ण जी कहते हैं कि उसकी एक छोटी बच्ची जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार छोटे बच्चों में बहुत ज्ञान होता है, गुरु की कृपा होती है, वो भी पिछले कर्म ही होते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आके कहने लगी पिताजी क्या बात है आप उदास क्यों, चिंता में क्यों। कहने लगे बेटा तेरे काम की बात नहीं, तू जाके खेल, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे पिताजी बताइए तो सही, काश मैं शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। पिता जानता था कि ये भी ज्ञानी समझदार है, पर इतना ज्ञानी है ये नहीं पता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किताब जब आंखों के पास ज़्यादा हो ना पढ़ी नहीं जाती, इसलिए हमारे रिश्तेदार, हमारे समझो कोई नाम जपने वाला घर में जन्म ले ले बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, पर जो एकदम क्लोज होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा को कौन समझ पाया था, केवल बेबे नानकी, बाकी सब तो समझ ही नहीं पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस छोटी बच्ची ने कहा पिताजी मुझे सवाल बताओ, तो उसने सवाल बताए कि ये आज हुआ है, सवाल पूछे गए मुझे उसका जवाब नहीं आता, मेरी रिस्पेक्ट का सवाल है अभी। तो बच्ची ने कहा मुझे सवाल बताओ, तो उसने सवाल बताए। पहला सवाल है, दूसरा सवाल है नहीं, तीसरा सवाल नहीं नहीं नहीं। बच्चे मुस्कुरा के कहने लगी पहले ही बता देते, मुझे तो तीनों सवालों का जवाब पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिता हैरान हुआ राज तुझे कैसे पता है। कहने की प्रभु की कृपा है, आपका आशीर्वाद है आपकी बेटी। और सवाल का जवाब उसने दिया, कृष्ण जी अर्जुन को समझाते कितने कमाल का सवाल का जवाब दिया, ध्यान से सुन। उसने कहा बेटी ने आप वो शाहूकार को जानते हो, नाम लिया फलाने शाहूकार का। कहने लगे हाँ मैं जानता हूँ। कहने लगे उस शाहूकार का जीवन कैसा है। कहने लगे बड़ा दानी है, ज्ञानी है, सुबह उठ के ध्यान में भी बैठता है, नाम जपता है, साधु संतों की सेवा करता है, और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे सुखी इंसान अगर इस शहर में है तो वो सेठ है, दुनियावी पदार्थ की भी कोई कमी नहीं है, और साधु संत की सेवा भी करता है, नाम भी जपता है, और कोई भी जरूरतमंद आ जाए उसके दरवाजे से खाली नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बेटी कहने लगी ये उसके लिए है, पहले सवाल का जवाब है। पहले जपा था नाम, जपा है नाम, अब उसके पास सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि अब जप रहा है आगे भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस सेठ के पास हर सुख सुविधा है, क्योंकि उसने पहले जपा है नाम, अब सब कुछ है, पर अब भी जप रहा है नाम, आगे के लिए भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह है कर्म सिद्धांत, कृष्ण जी समझा रहे हैं। और कहने लगे फलाने सेठ को जानते हो। कहने लगे हाँ वो भी एक सेठ है तो बड़ा सेठ, पर बड़ा कड़वा बोलता है, किसी की मदद नहीं करता और सारे गलत काम करता है, नाम जपना तो दूर की बात रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी ये सेकंड सवाल का जवाब है, दूसरे सवाल का कि है पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले जपा है नाम, अब सब कुछ है उसके पास, पर अब नहीं जप रहा, आगे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सब कुछ है पर आगे नहीं मिलेगा उसे कुछ, क्योंकि अब नहीं जप रहा। हुण वत्ते हर नाम न बीजो अगे, भूखा क्या खाए। अगर अभी नहीं बीज रहे आगे क्या खाएंगे, मतलब जो अब खा रहे हैं पहले बीजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत रोया करो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मत कहा करो मैं ऐसा क्यों रह गया, हमारी गलती है, हमारे अपने कर्म है, हमने नहीं जपा है नाम, नहीं जपा है तो अब जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कम से कम आगे है हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तीसरा नहीं नहीं नहीं। कहने लगे उस गरीब को जानते हो जो हमारे घर के बाहर ही बैठा है, जूते गांठता है। कहने लगा हाँ जूते सीता है, नाम जपता है नहीं, कोई नेक काम करता है नहीं। कहने लगे उसके लिए है नहीं नहीं नहीं, ना पहले जपा नाम, गरीब है, अब भी नहीं जप रहा, अब भी कुछ नहीं है, आगे के लिए भी कुछ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब मैं ये घटना सुन रहा था, कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, पढ़ रहा था मैं, तो मेरे ध्यान में एक बात आई, एक चौथा पहलू भी बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कौन सा है, नहीं नहीं
पर है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमारे पास अब कुछ नहीं है क्योंकि हमने पहले नहीं जपा, अगर अब जप लिया, ये वचन गुरु नानक पातशाह के जन्म साखी में लिखे हुए हैं कि चाहे कोई अत का गरीब हो, अत का दुखी हो, नहीं जपा है नाम, गरीब है, अगर अमृत वेला संभाल ले, अगर अमृत वेला किसी प्रकार संभाल ले, गुरु को उसकी सारी गरीबी वो चाहे तो मिनटों में काट दे, सारे सारे जीवन की गरीबी एक रात के सपने में काट दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे काटनी पड़ती है, ये जन्म में भी है हो जाएगा और आगे भी है हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज नाम के आश्रय पे खड़ी है, कोई भी सुख आपके पास है, अच्छी बीवी है नाम का आश्रय है, अच्छी बीवी नहीं है समझो नाम नहीं जपा, रो मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अच्छा घर वाला नहीं मिला तो हमारी गलती, हमने नाम नहीं जपा, जैसे कर्म वैसा मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी मत एक दूसरे पे चलाया करो, एक दूसरे से झगड़ा किया करो, अपने आप से झगड़ा किया करो, मेरी बदकिस्मती है उसकी नहीं, वही आदमी दूसरों के लिए अच्छा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस इस नहीं को है में कर लो। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं हर चीज के पीछे खड़ा है नाम, इसीलिए जिन कारण गुरु विसार्या, किसी भी कारण से गुरु को मत भूलो। विसर नाही दातार अपना नाम देव, गुण गावा दिन रात तेरे गुण गाऊ प्रभु, एक सेकंड के लिए भी तू ना विसर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुरु न सेवे ओ मूरख अंध गवार,
ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ छोटी सी अनाउंसमेंट फिर चौपाई साहब जी, आज शाम को 6 से 7 बजे तक सिंधी क्लासेस है, जो कहा था ना सब अपने बच्चों को भेजिए ताकि वो सिंधी सीखें, सिंधी बोलें, सिंधी लिखें, ताकि अपनी भाषा को बचा लो, अगर अपनी कौम को बचाना है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबका फ़र्ज है माता पिता का कि अपने बच्चों को अपनी माँ बोली ना भूलने दें। आज शाम को 6 से 7, 5 से 6 मेरे ख्याल से किडी क्लासेस भी है किडी संगत की, और फिर 6 से 7 सिंधी कोचिंग क्लासेस है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और सारी संगत से बेनती, आखिरी 5 दिन 108 पाठ रखे जाने हैं, अभी 31 पाठ चल रहे हैं गुरु की कृपा से, आखिरी 5 दिन 108 पाठ रखे जाने हैं, तो सब लोग मन बना लो। पिछली बार 2 दिन रखे थे, इस बार 5 दिन का है, गुरु मेहर करे तो मन बना लो, यहीं पर आके रहना है 5 दिन, घर नहीं जाना है। कमरे हैं सारे, बाहर के संगत के लिए कमरे बुकिंग करनी बंद कर दी है उन दिनों में, ताकि सारी संगत यहाँ पर फ्रेश हो सके, आराम कर सके थोड़ा, और यहाँ पे पाठ चल रहे हैं। सब अपना अपना नाम लिखाओ, जो घर नहीं जाएंगे 5 दिन सब लोग नाम लिखाओ, जो जितने दिन कर सके, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो अपना नाम लिखाओ, क्योंकि उस हिसाब से पाठ रखेंगे जिस हिसाब से नाम आएंगे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे जोर से बोलिए धन गुरु नानक। आप तो डर ही गए, डरना नहीं है, पिछली बार मैं डरा हुआ था, पर गौरी ने तर्स किया कि मैं हैरान हो गया था देख के, आप सब ने भी देखा था कि बारी नहीं आ रही थी, 108 पाठ रखने के बाद भी लोग लाइनों में खड़े थे कि 2-5 मिनट हाजिरी भरने को मिल जाए। बहुत बड़ा तर्स है गुरु नानक का कि नाम जपने के लिए इतना चाहो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हाजिरी लगाने के लिए इतना चाहो। बाहर से संगत आती है, कोई होटल में रुकता, कोई कहीं कमरे लेके रुकता है इस पाठ में हाजिर भरने के लिए, कहाँ कहाँ से पूरे वर्ल्ड से संगत आती है। आप लोग यहाँ पे रह के गवाह मत देना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सारे शहर के संगत से मेरी खास तौर पर बेनती है कि आखिरी के 5 दिन मन बना के रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सके तो दरबार में ही रहने, जाने नहीं कपड़े लेके यहाँ जाने, और अगर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ फ्रेश होने घर जाइए और फिर इधर ही आ जाइए। 24 घंटे लंगर, 24 घंटे सेवा, 24 घंटे पाठ चलेंगे 108। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूजा दीदी जो पिछली बार जिन्होंने गुरु ने उनसे सेवा ली थी, इतने इतने घंटे वो बैठते थे, गुरु की अपार कृपा, इस बार भी 40 में शुरुआत से आए हुए हैं गुरु की तरफ से, और गुरु साहब जी की उन पर इतनी अपार कृपा हो गई। दास इसलिए बता रहे, मैं छिपाना चाहता हूँ उन्हें, पर देखकर कुछ सीखने को मिल जाए, देखकर उनका जीवन, गुरु ने उन पर तरस किया है। तरस ऐसे नहीं हो जाता, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, मेहनत करनी पड़ती, जिसने मेहनत कर ली, मशक्कत कर ली, जिसे ज्ञान हो गया, ज्ञान तो बहुत लोगों को हो जाता है पर फिर भी उस पर चलते नहीं, जो उस पर चल जाए असल में वही ज्ञान है, बाकी तो नॉलेज है, पता है,
ज्ञान वही जिस पे इंसान चले, जिसे ज्ञान हो गया वो फिर अपना आप पूरा वार देता है, फिर वहाँ पे आराम का नाम ही नहीं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब से यहाँ पे आए हैं मैं, गुरु मेहर करे उनमें अहंकार न है, विनम्रता बनी रहे। हर रोज 13 बार स्नान करके 24 घंटे में गुरुसेव जी की सेवा में आती है। 24 घंटे में 13 बार स्नान करके, भाव हर 1.5-2 घंटे में स्नान करना पड़ता है। कैसे स्नान करके? पाठ करते हैं, गुरुसेव जी को भोग लगा रहे, गुरुसेव जी की सेवा में हाजिर रहते हैं। गुरु की अपार कृपा, गुरु मेहर करे उन पर ये तर्स बना रहे। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक।